नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। एक रस्सी से प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी। रिश्ते का विरोध कर रहे थे नाबालिग के परिजन। पेड़ से लटके मिले दोनों के शव। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रेमी प्रेमिका ने एक ही रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। दोनों सोमवार को घर से निकले थे, इसके बाद से दोनों का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन दोनों की मौत की खबर सामने आई है। बताया गया है कि दोनों के घरवाले मिलने जुलने का विरोध करते थे, इस बात से भी दोनों परेशान थे। मामला डंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है। बोईरडीह निवासी राजेश कुमार निषाद 20 वर्ष का पास के ही गांव की एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध था। दोनों आपस में काफी बातचीत भी किया करते थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। घर वालों को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन वो विरोध करते थे। लड़की के घर वालों ने कहा था कि जब तक बालिग नहीं हो जाती तब तक इस बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता है। वो लड़के से बातचीत करने से मना करते थे। इधर सोमवार को दोनों अपने अपने घर से लापता हो गए थे। देर रात तक घर ही नहीं लौटे, जिसके बाद परिजन इनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। इस बीच मंगलवार को सहगांव के कुछ लोगों ने उनके परिजनों को सूचना दी कि दोनों ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी जानकारी दी गई। दोनों के शव सहगांव के जंगल में पेड़ से लटके हुए मिले। पुलिस ने बताया कि युवक ने मछली पकड़ने वाली किसी रस्सी से फांसी लगाई है। उसके साथ नाबालिग लड़की का शव भी उसी फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने परिजनों से भी पूछताछ की, जिसमें प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों के शव को बरामद कर पीएम के लिए भेजा गया है।